हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और जितना भी आपका जैक बोर्ड का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, वो सारा का सारा इसी असाइनमेंट से आएगा। और जैसा कि हम क्लास 12 का 3 असाइनमेंट हम लोग देख चुके थे, आज क्लास 11th के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। 11th का जो सेकेंड चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, सारा का सारा अपलोड किया गया है। तो चलिए, यदि आपको इस असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस, कहीं कोई पैसा लगने वाला नहीं है। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आप फाइल अपलोड कर लीजिएगा। मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आप इसमें जाना है, आपको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, वहां से फाइल अपलोड कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर है यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर में जो आपका जैकबोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भी अपलोड किया गया है। कुछ क्वेश्चन नीट के हैं, कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं, और बहुत ही मतलब कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत लो लेवल का नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। जो मीडियम बच्चे हैं उसके लिए भी अच्छा है, जो थोड़ा बहुत कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चन डाला गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वन फर्मी इज इक्वल टू, वन फर्मी किसके बराबर होता है। तो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है, जो वन फर्मी होता है किसके बराबर होता है, 10^-15 meters। कुछ कुछ टर्म है जैसे 10^-6 meters है, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, और 10^-9 meters है, इसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर अभी डिटेल हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोलता है कि वन एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। अब याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ बता दे रहे जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जैक्ट बोर्ड में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि वन नैनोमीटर जो होता है 10^-9 meters होता है, और वन एंगस्ट्रॉम जो होता है 10^-10^-10 meters होता है, और वन पिको जो मीटर होता है 10^-12 meters होता है, वन फर्मी बोलिए फेमटोमीटर बोलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नीचे लिखे रहे, वन माइक्रोमीटर, बाकी आप सारा का सारा लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वन एंगस्ट्रॉम में कितना वैल्यू होगा, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, वन एंगस्ट्रॉम में मिला लीजिए कौन सा आंसर सही है। वन एंगस्ट्रॉम में 10^-10 meters कहीं पर ऑप्शन में है, कहीं पर ऑप्शन तो घुमाया हुआ ऑप्शन है आपका, नैनोमीटर में ज्यादातर दिया हुआ है, तो आपको चेक कर लेना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। चलिए, वन नैनोमीटर वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, दो चेक करेंगे, बी नंबर और सी नंबर। बी नंबर चेक करते हैं, हम पहले बी नंबर चेक करते हैं, 10 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो नैनोमीटर को मीटर में ले आते हैं, ये हो जाएगा 10^-8 meters, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला चेक कीजिए, सी नंबर चेक करते हैं, 0.1 नैनोमीटर, तो 0.1 और नैनोमीटर को मीटर में लाने के लिए 10^-9 से इंटू करेंगे, पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 आएगा, हाँ ये तो आ गया, 1 चला जाएगा ऊपर, हाँ ये सही आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, 0.1 नैनोमीटर सही आंसर है। या फिर एक और मेथड आप बहुत आसानी से कर सकते हो, सेकंड मेथड भी आपको बता दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर बनाना सेकंड मेथड कैसे बनाना है, जैसे आपसे पूछा गया, लेकिन आपको इसमें चेक करना है, यदि कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक करना है तो आपको ऑप्शन भी देखे चेक करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर का पहले मतलब जानना होगा कि लाइट ईयर होता क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइट ईयर सुनने में आपको भले लग रहा होगा कि नहीं वो शायद टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा, लाइट ये निकालने के लिए बहुत आसान है तरीका निकालने का, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब लाइट का स्पीड आपको पता होगा 3×10^8 meters per second होता है, और टाइम कितना दिन में बात कर रहा है, एक साल में, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एक साल में कितना सेकंड होता है आपको निकाल के देख लेना होगा, तो 3×10^8 हो गया ये वाला, और ईयर को आप सेकंड में कर दीजिए कितना काम आपको आना चाहिए, हमने डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, उनको याद रह गए, टेंशन मतलब
इसका वैल्यू होगा 9.46 न्यूटन का पावर 50 मीटर। आप घर में ट्राई कर लीजिएगा ना, एक साल में कितना सेकंड का निकाल लीजिएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें आता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, किसका इकाई है लाइट ईयर, या लाइट ईयर हम क्या मापते हैं, तो वहाँ पे याद रखिए कि डिस्टेंस मापते हैं। तो घर से तो दूरी नहीं मापते हैं, वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस मापा जाता है इसमें। तो हालांकि जो मेरा क्वेश्चन था इसका आंसर जो है मेरा डिस्टेंस होगा लाइट ईयर यूनिट डिस्टेंस का। पार्सेक किसका यूनिट है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, लार्जेस्ट यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी दे सकता है आपका, पार्सेक, पार्सेक जो होता है। बोलता है लेंथ किसे माप नहीं सकते, फर्मी में माप सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का यूनिट, लाइट ईयर भी। इसका सही आंसर है डिवाइड, डिवाइड में मापा नहीं जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में आ जाइए सीधे, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, टाइम का टी हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाइए, या मास का भी टर्म नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम ऊपर चला गया, टी का पावर वन ऊपर चला गया, तो माइनस वन। ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, देखिए कौन सा सही आंसर, इसमें जो सही होगा, हाँ देखिए ध्यान दीजिए सी नंबर सही ऑप्शन इसका। और यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं, आपको वीडियो देखते चाहे नहीं देखिए, हम तो ये मान के चलते हैं आप चैप्टर टू आपका कंप्लीट होगा, इसलिए आप देख रहे हो। तो ध्यान दिया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेवन बोलता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है द डायमेंशन ऑफ, इसको तो और क्वेश्चन घुमाया हुआ है कि किसका डायमेंशन, ये जो दिया हुआ है ML2 T-3 किसका डायमेंशन है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके किसका है, ML2 T-3 किसका डायमेंशन है, वर्क का तो आपको पता है, वर्क का जो डायमेंशन होगा ML2 T-3 होता है, वर्क का डायमेंशन नहीं है, प्रेशर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और इंपल्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर पावर, ये पावर का है, प्रेशर का हो गया, इंपल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। चलिए सॉल्व कीजिए किसका आता है, देखते हैं, वर्क का हो गया ML2 T माइनस टू, टाइम का हो गया T, T को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा ML2, और ये वन ऊपर चला गया तो माइनस वन, ये जाएगा ML2, शायद हम लोग का आंसर आ चुका है, इसे बाकी चेक नहीं करना पड़ेगा, तो सेवन का आंसर हो जाएगा P नंबर पावर, बाकी चेक कर सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। एट नंबर क्वेश्चन क्या देखा, देखिए बोलता है कोई इक्वेशन दिया हुआ है f इक्वल टू एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप क्लास टेंथ में एक क्लास नाइन्थ में फॉर्मूला पढ़ेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बताता है कि यदि कोई भी इक्वेशन तभी सही होगा जब दोनों साइड का डायमेंशन या जितना भी टर्म आएगा सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। कहने का मतलब यदि ये आपका डिस्टेंस है तो ये भी टर्म डिस्टेंस ही होना चाहिए, तब ऐड पॉसिबल है, ये भी डिस्टेंस होगा तब ये तीनों जुड़ेगा, अदरवाइज इस इक्वेशन को लिखना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से मैच करेगा, इसका डायमेंशन इसके मैच करेगा, या बोल सकते हैं कि सबका डायमेंशन एक ही जैसा होगा, सिंपल बात। चलिए क्वेश्चन था वो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन था f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, तो मेरा कहना है कि जो ए एक्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन f का होगा, जो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन f का होगा। चलिए हमको निकालना है किसका डायमेंशन, a का डायमेंशन निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा f बाई x हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल हो गया, एल से एल कट गया, यहां पर जो टर्म आ गया हमारा वो आ गया एम एल जीरो टी माइनस टू, एम एल जीरो टी माइनस टू, तीन तीन ऑप्शन में आगे चेक करना पड़ जाएगा हम लोग को। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग कि बार वाला क्या है, बी का जो डायमेंशन निकालना था जाएगा एफ का डायमेंशन बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में ही नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और टी का स्क्वायर हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस टू टी प्लस टू पर चला गया, माइनस टू तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, चले शायद आपका आंसर आ गया होगा।
एट का जो आंसर होगा एमएल जीरो टी माइनस टू, हाँ डी नंबर सही आंसर आपका, एट का जो ऑप्शन होगा डी नंबर सही आंसर है। चले नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, एक एल एकल कट जाएगा तो नीचे तो एक एल बचेगा, अभी सेल को ऊपर ले जाइए तो एल माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस टू शायद ऑप्शन दिया हुआ होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, हाँ चल इसका सही जो आंसर है आप देख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नाइन का जो सही आंसर है बी नंबर मिला लीजिए बस। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में दो बार पूछ चुका है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्लास नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, दो बॉडी के बीच जो फोर्स काम करता है मास के कारण, यहां से जी का वैल्यू निकाल लीजिए एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, और एक बार और बता दीजिए आप हजारीबाग में है तो आप यहाँ पर यदि ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस कर सकते हैं, बाकी जगह से बेटर मिलेगा, बाकी तो बोलेंगे नहीं कुछ, आप खुद आगे देख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, मास दो बार है तो एम एम दो बार लिखेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा एक एम बच जाएगा, और इस एम को ऊपर ले जाइए तो ये जाएगा एम का पावर माइनस वन, यहाँ एक एल है यहाँ एल का पावर टू है, एल का पावर थ्री हो जाएगा टी का पावर माइनस टू, यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा आंसर सही है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका जो सही आंसर है ए नंबर, जो इसका सही आंसर है टेन का ए। इलेवन नंबर देखिए क्या बोलता है कि डायमेंशन जो होगा इम्पल्स का क्या होगा, चलिए देखिए चेक करते हैं सर, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, टाइम का हो जाएगा टी, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, चेक कर लीजिए। अब हम लोग देखना है इसमें किससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला बता चुके हैं, प्रेशर का फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का पी इक्वल टू एम वी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का एल इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा। चलिए इसे बारी बारी से निकाल के चेक कर लीजिए, पहले हम चेक करते हैं मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, चलिए तो लीनियर मोमेंटम का होता है पी इक्वल टू एम वी, मास का हो जाएगा एम, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन, शायद हम लोग का आंसर आ चुका है, तो बाकी सब चेक करने का जरूरत हमको नहीं है क्योंकि इसमें एम वी के साथ आर भी है, फोर्स बाय एरिया नहीं आएगा आपका, तो इसमें जो आंसर इसका आ जाएगा, चलिए टेन का मिला लीजिए इसमें इलेवन का आंसर कौन सा हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ये लीनियर मोमेंटम बनाया था, ये इम्पल्स का था, इम्पल्स के साथ डायमेंशन बराबर होगा, हाँ तो इलेवन का सही आंसर बी नंबर होगा बच्चों। ट्वेल्व नंबर देखिए क्वेश्चन, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्लैंक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्लैंक कांस्टेंट एक आपको रिलेशन याद रखना होगा E इक्वल टू एच न्यू होता है फॉर्मूला, जहां पर प्लैंक कांस्टेंट होता है E एनर्जी होता है न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, यहां से आप H का वैल्यू निकाल लीजिए, H का जो वैल्यू हो जाएगा E बाय न्यू, और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है, आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो H इक्वल टू ET, चलिए E का निकाल लीजिए, एनर्जी का हो जाएगा एम एल टू T माइनस टू, और टाइम का हो गया T, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, माइनस टू प्लस वन टी माइनस वन हो गया। अब हमको मैच कराना पड़ेगा इसमें कि किससे मैच करेगा, एनर्जी से मैच नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी में टाइम आ गया था ना, मोमेंटम का निकाले थे भी हम इसके पहले, वो आया था कितना एम एल टी माइनस वन आया था, इतने होगा पावर का भी निकाल चुके थे एम एल टू टी माइनस थ्री, एंगुलर मोमेंटम का चेक कर लेते हैं, सी का चेक करेगा एंगुलर मोमेंटम को एल दिखाते हैं, एल का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर का डायमेंशन निकालिए, एम भी हम स्मॉल दिखा रहे हैं, चलिए मास का होता है एम, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, और यहां पर आर डिस्टेंस होता है एल, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा एम एल, एल का पावर वन एल का पावर वन एल का पावर टू जाएगा टी माइनस वन, तो सही आंसर मेरा कौन सा हो गया, मैच कर रहा है डायमेंशन,
इसमें जो सही आंसर होगा आपका एंगुलर मोमेंटम ही सही आंसर है। चल 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है कि यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू इक्वेशन दे दिया यहाँ पर at + bt² तो यहाँ पर x जो दिया हुआ है x का यूनिट किलोमीटर में, इसका यूनिट किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछा यूनिट b का क्या होगा, यहाँ बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होगा, ये दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। तो x इक्वल टू bt स्क्वायर लिखेंगे तो x तो मेरा किलोमीटर में है और ये टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो जो b का यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर मिला लीजिए बच्चों, इसको कौन सा आंसर होगा, सी नंबर सही आंसर है, 13 का सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है v इक्वल टू, रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर v इक्वल टू दिया हुआ है at + b/t + c और यहाँ डायमेंशन पूछा गया एक b का और t का। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बताया गया आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेमी क्वांटिटी जुड़ सकता है, मास से मास जुड़ेगा, लेंथ से लेंथ जुड़ेगा और टाइम के साथ टाइम जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि मास के साथ लेंथ जोड़ दीजिएगा, जैसे बोलेंगे 4 kg आप सेब खरीदे 2 मीटर कपड़ा खरीदे, बोले दोनों को जोड़ के बताओ, तो नहीं पॉसिबल नहीं है कि आप 4 kg सेब को 2 मीटर कपड़ा के साथ जोड़ दिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा सेम फिजिकल क्वांटिटी सेमी क्वांटिटी से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए टाइम जो है टाइम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सी, तो सी का डायमेंशन जो हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ मैच कर आइए कि सी का जो डायमेंशन लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला कौन आ गया टी, तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हो तो इसका आंसर कौन सा जाएगा बी। अब बाकी भी चेक करके बता देते हैं, ऐसे मतलब आंसर मिलवा दिया आपको, चलिए बाकी चेक कीजिए। जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, at का होगा। जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन at का होगा, या at v के बराबर होगा, ये बोल सकते हैं। a का पूछा गया है तो a का फॉर्मूला जाएगा v/t। वेलोसिटी का होता है lt-2, lt-2 टाइम का हो गया t, अब इसको सॉल्व कर दीजिए lt-3। तो देखिए आप कुछ गड़बड़ हुआ, वेलोसिटी का होता है lt-1, सॉरी वेलोसिटी का होता है lt-1 और ये t ऊपर चला गया lt-2, तो इसका जो सही आंसर ये तो मैच कर गया मेरा निकल गया फर्स्ट वाला। ये का b का भी निकाल सकते हो आप, b का भी निकालोगे तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, तो b का निकालोगे तो जो डायमेंशन b का होगा, सॉरी जो डायमेंशन b/t + c का होगा वही डायमेंशन b का होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, b का पूछा क्या था b (t + c) हो गया, वेलोसिटी का lt-1 हो गया और टाइम का t हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो बच जाएगा क्या l बच जाएगा। इसका जो सही आंसर आप मैच कर लीजिए, b नंबर सही ऑप्शन है lt-2, a का डायमेंशन b का डायमेंशन l हो जाएगा, c का डायमेंशन t हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो आपका एप्लीकेशन होता है डायमेंशन फॉर्मूला को वो निकालना होता है, वहां पर कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम रिलेशन ट्रैक करेंगे वो सीखना होता है। तो यहाँ पर और एक बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे के मन में सवाल रहता है कि नहीं ये छोटा मोटा चैनल है, तो यहाँ पर चैनल मत देखिए, जो भी स्टार्टअप करते हैं ना वो मतलब कि छोटा ही से स्टार्टअप करते हैं, जो भी बड़ा ये भी मान लीजिए जो सपोज फिजिक्स वाला ये पॉपुलर हो गया तो वो क्या स्टार्टअप वहीं से लिया था जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, तो वो दिमाग में रख के अपना सेटअप करके पढ़ाई कीजिए। देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालने से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है वेलोसिटी है टाइम है और आपसे डायमेंशन पूछा गया मास का, तो यहाँ पर पहला स्टेप कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सबको कंबाइन कर दीजिए आप, एफ का पावर ए हो गया, वी का पावर डी हो गया और टी का पावर सी हो गया। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का कॉन्स्टेंट डाल दीजिए कि जो डायमेंशन लेस रहेगा यहाँ पर ये टर्म आ गया, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जितना भी टर्म आपका है ऐसे इक्वेशन नंबर हम लोग वन ले लेंगे। सेकेंड स्टेप में ध्यान दीजिए कि सबका डायमेंशन लिखते हैं, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m हो जाएगा, q
ये तो डायमेंशन लेस था, इसको छोड़ देंगे, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू का पावर ये हो गया वी, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन का पावर बी, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा सी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये ए तो सबके ऊपर है, टाइम के ऊपर भी ए है, एल के ऊपर भी ए है, टी के ऊपर भी ए है, बी भी सबके ऊपर है, एल का पावर बी हो जाएगा, टी का पावर माइनस बी हो जाएगा, पावर पे पावर आता तो इंटू हो जाता है, वो याद रखिएगा, ये टी का पावर सी हो गया। चलिए सबको मिला दीजिए, एम का पावर ए हो गया, एल कितना बार है, दो बार है, तो एल का पावर ए प्लस बी हो गया, क्योंकि बेस सेम रहता है, हर सेम का पावर जुड़ जाता है। टी का पावर हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस सी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सॉल्व कर दिए, सब डायमेंशन पुट करके सब वैल्यू पुट कर दिया। थर्ड स्टेप में मुझे याद रखना रहता है कि दोनों साइड कंपेयर करना रहता है, जैसे कि यहाँ पर m का पावर कितना है a, और यहाँ m का पावर कितना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, m है, l जीरो है और t जीरो है, लेकिन टाइम नहीं है, पहचानने में आसान होगा। तो a का वैल्यू वन हो गया, l का डायमेंशन देखो, यहाँ पर l का डायमेंशन कितना, पावर a प्लस b, यहाँ कितना है जीरो हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू जीरो हो गया। t का देखिए माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी, इधर देखिए इधर कितना जीरो। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, आप ए का वैल्यू निकल चुका है आपका, बी का निकाल लीजिए यहाँ से, तो बी का वैल्यू हो जाएगा ए उधर चला जाएगा तो माइनस ए, यहाँ से बी का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ से सी का निकाल लीजिए, टू ए का वैल्यू तो वन था, बी का वैल्यू माइनस वन था, प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए जगह माइनस टू प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से सी का वैल्यू भी कितना आ गया माइनस वन आ गया, मिला लीजिए इसको एक बार। चलो अब जो वैल्यू आया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एम का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, के का वैल्यू में कॉन्स्टेंट वन ले लेंगे डायमेंशन, तो f का वैल्यू f का पावर वन हो जाएगा, v b का जो पावर था माइनस वन हो जाएगा, t का पावर जो c था वन हो जाएगा, तो कहीं पर ऑप्शन आपको ढूंढना होगा f b माइनस वन c, शायद कहीं मिल जाए, देखिए c नंबर 15 का जो सही आंसर है c नंबर है। चलिए आपसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 16 नंबर सेम क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व कर देना, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एनर्जी कितना चीज, इस बार आपसे सरफेस टेंशन का पूछा गया, तो जो सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे कर रहा है, वेलोसिटी पे कर रहा है और टाइम पे कर रहा है, इसको कंबाइन कर देंगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं एक बार, के ई का पावर ए वी का पावर बी और टी का पावर सी। जैसे आपका डायमेंशन निकालिए, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है फोर्स बाय एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू का एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू, एनर्जी का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, इसका पावर ये हो जाएगा, वेलोसिटी का तो पता है एल टी माइनस वन का पावर टी और इसका टी का पावर सी हो जाएगा। फिर सॉल्व कीजिए यहाँ पर, ये ए तो सबके ऊपर पावर है, ये मिला लीजिए एनर्जी का वेलोसिटी का टाइम का, चलिए ठीक है, एम का पावर ए हो जाएगा यहाँ पर, एल का पावर टू ए हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू ए हो जाएगा, एल का पावर बी हो जाएगा, टी का पावर माइनस बी हो जाएगा, टी का पावर सी हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये एम का पावर ए हो जाएगा, एल का पावर टू ए प्लस बी हो जाएगा, टी ए का पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। चलिए फिर वही काम करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो मेरा आया था एम एल जीरो t माइनस टू, ध्यान दीजिए आपको। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि a जो है किसके पावर m का, a का वैल्यू कितना हो गया वन हो गया, टू ए प्लस बी जो है, टू ए प्लस जो b है यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ जीरो कर देंगे, और जो लास्ट बच गया माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का वैल्यू वन निकला हुआ, यहाँ से निकाल दीजिए टू इंटू वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो जो b का वैल्यू हो गया माइनस टू हो गया, टू चला गया माइनस टू। अब यहाँ पे C का वैल्यू देख लीजिए, अब फिर से A का वैल्यू निकला हुआ था 2 इंटू वन हो जाएगा प्लस माइनस, और D का वैल्यू माइनस टू था प्लस C इक्वल टू माइनस टू, तो ये जगह माइनस माइनस प्लस टू प्लस C इक्वल टू माइनस टू, ये तो कट जाएगा, तो C का वैल्यू माइनस टू आ गया, तो A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू माइनस टू आ गया, C का वैल्यू माइनस टू आ गया। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, S का वैल्यू जाएगा, K का वैल्यू 1 ले लेंगे, E 1 हो जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b आपका b का पावर b था तो ये माइनस टू हो जाएगा, t का पावर c था तो ये माइनस टू हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा e v का पावर माइनस टू t का पावर माइनस टू। हाँ
16 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जेईई मेंस का आया चाहे नीट के क्वेश्चन, इस तरह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है या सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन, तो अभी एग्जैक्टली को याद नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, बनाने का प्रोसेस सबका एक ही है, कुछ नहीं करना होता है, जो भी डायमेंशन होगा सबका डायमेंशन वैल्यू पहले तो देख लेना होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर उसका डायमेंशन लेके इक्वेट करके ए बी सी का वैल्यू निकालना होता है। बोला इसमें कि कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, तो सेकंड तो टाइम का यूनिट है सेंचुरी, शतक, शताब्दी बोलते हैं, हाँ ईयर साल, लाइट ईयर। इसका आंसर होगा लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट, टाइम का यूनिट नहीं है। 18 नंबर, 1 लाइट ईयर कितना बराबर होता है वैल्यू बताया गया था आप लोगों को, शुरू पढ़ा रहे थे 9.46 मीटर का 50 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिए यहां पर, पहले आप इस बात को देखो कि हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते इसको 1000 केजी बाय 1 मीटर क्यूब, इस बात को लिख सकते हैं, इसका मतलब है डिवाइड में आना है, ठीक है, केजी को ग्राम में लाना है, इसको 1000 एक केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। 1 मीटर क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को 3 बार लिख सकते हैं लोग, 1 मीटर क्यूब को मीटर मीटर मीटर, अब 1 मीटर को सेंटीमीटर मिला तो 100 सेंटीमीटर। चलो देखो 3 6 जीरो कट गया, 2 4 6 जीरो कट गया, उसमें बस ये 1 ग्राम और ये नीचे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 3 बार ऊपर चला गया तो पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए शायद देखी गई तो आपका ऑप्शन का आंसर मिल रहा होगा, 19 का सी नंबर सही आंसर है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोलते लाइट ईयर का यूज में कहा करते, लाइट ईयर जो होता है बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो स्टार, दो स्टार के बीच का डिस्टेंस पता करने में, क्योंकि जो लाइट ईयर है अपने आप में बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो जो लाइट ईयर जो होता है आपका, इसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन स्टार, दो स्टार के बीच का डिस्टेंस पता करने में यूज करते हैं, कि लाइट ईयर का जो यूज होगा वो डिस्टेंस का यूनिट है, बहुत दूर का बहुत बड़ा डिस्टेंस हम लोग मापने में यूज करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, हाँ 20 नंबर हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ फॉर्मूला होता है fx by ab, जहां पर f फोर्स होता है, x डिस्टेंस होता है, a एरिया होता है, b वेलोसिटी होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mlp-2, डिस्टेंस का एल हो जाएगा, एरिया का L2 और वेलोसिटी का LT-1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ऊपर वाले सॉल्व कर लीजिए, L तो दो बार है ना, तो L स्क्वायर हो गया T-2, नीचे सॉल्व कीजिए L स्क्वायर L, L क्यूब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा T-1, M तो बेचारा अकेले पड़ गया तो छोड़ दो, L स्क्वायर है L क्यूब है, L का पावर 2 नीचे L का पावर 3, सॉल्व कीजिए L-1 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा ना, फिर देखें नेक्स्ट है T-2, T-1 माइनस वन पर चला जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, -2 +1 -1, यहाँ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL -1 T-1, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 21 का ए नंबर। फिर से एक बार देख लीजिए क्या बताया गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है एफ एक्स बाई ए वी, याद रखना पड़ेगा भी आप बच्चे हो क्योंकि 11th में डिटेल आगे जाकर पढ़ोगे, जहां पर आपको टर्म याद रखना है फोर्स होता है, एक्स डिस्टेंस होता है, ए एरिया होता है, बी क्या होता है वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोलता है इक्वेशन दे दिया गया है आपका F=AT प्लस BT2। अभी बताया कि ये फोर्स कब होगा, जब ये फोर्स होगा ये फोर्स होगा, तो AT जो होगा वो डायमेंशन F के बराबर होगा, BT2 का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, यहां से आपसे A का पूछा गया है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F/T, यहां से B का पूछा गया है तो ये हो जाएगा F/T2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2 और टाइम का t हो गया, इसको सॉल्व कीजिए ये हो जाएगा mLT-3t, ऊपर चला जाएगा, यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं mLT-2 ये तो T2 हो गया, ये T2 ऊपर चल जाएगा तो mLT-4 T-4,
कौन सा ऑप्शन है देखिए, हाँ ए नंबर सही आंसर है इसका, 22 का जो आंसर होगा ए नंबर सही आंसर है, MLT-3 MLT-4। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता हाउ मेनी डिकेड्स आर देयर इन वन सेंचुरी, एक शताब्दी में कितना दशक होगा, इसका आंसर बहुत ही आसान था, 10 होगा इसका आंसर, 10। 24 नंबर देखिए क्या बोलता है कि कोई क्यूब है, कोई एक क्यूब है उसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर देंगे तो जगह 125 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मिलाते हैं आंसर, नहीं आंसर तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, हाँ मीटर क्यों मिला देख लेते हैं एक बार, 125 सेंटीमीटर को तीन बार मीटर तो 1 सेंटीमीटर, इस बात को मिटा नहीं सकते हैं, 3 बार सेंटीमीटर लिखा हुआ इसको मीटर में कर दीजिए, ये हो जाएगा 10^-2 मीटर, 10^-2 मीटर, 10^-2 मीटर, ये हो जाएगा 125 × 10^-6 मीटर 3 बार है, ये ऑप्शन है कि देखिए ये 125 लिखा हुआ है तो महान महान बच्चे लोग 6 1 2 5, तो इसका आंसर जो है आपका डी नंबर सही आंसर है, 24 का डी नंबर। 25 नंबर देखिए बोला जाए डायमेंशन यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर डायमेंशन, ये तो सबको पता है फंडामेंटल डायमेंशन होगा, इसका आंसर है फंडामेंटल, जो साथ होता है मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लुमिनस इंटेंसिटी। 26 नंबर बोलता है बेस यूनिट कितना है, 7। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस यूनिट है मीटर, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, हाँ डेसिबल, ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। फिर बोलता है इसमें से कौन सा सॉलिड एंगल का, तो याद रखिएगा प्लेन एंगल का जो होता है वो रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का फिर रेडियन, तो 28 का आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापने के लिए क्या होता है, ऐसा बहुत यार बच्चा टाइप सवाल है कैंडेला। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, मास का साइन क्या किलोग्राम, 89 मेगा जूल, यहां थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, ये किलो जूल हो गया, ये मेगा जूल हो गया, ये गीगा जूल हो गया, इसी तरह किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, गीगावाट हो गया, किलो का मतलब समझिएगा 10^3 होता है, इसका भी आंसर 10^3 वाट, ये जूल में जूल में आएगा, 10^6 जूल, ये 10^6 वाट हो जाएगा, ये 10^9 जूल हो जाएगा, 10^9 वाट हो जाएगा, ये मेगा किलो मेगा गीगा बड़ा यूनिट होता है, इसका आंसर हो जाएगा 39 कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू कितना टाइम होगा, तो याद रखिएगा जो न्यूटन होता है वो बड़ा यूनिट होता है, ऐसा ही होता है, और सीजीएस में आपका ग्राम होता है, तो जो फोर्स का यूनिट होता है यहां से आप निकाल सकते हैं, फोर्स का यूनिट एमए होता है, तो यहां से जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आपको लाना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ला सकते हैं 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, यहां सब निकाल रहे हैं कि 1 kg meter per second square इक्वल कितना ग्राम होगा, तो 1 kg में इतना हो गया, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया, ये तो ग्राम हो गया पर सेकंड स्क्वायर, ये जाएगा 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को मैं बोलते हैं डाइन। तो आज के बाद याद रखिएगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10^5 डाइन, ताकि पूछा गया 5 न्यूटन में कितना होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 50, 55 के बाद 5 0। 33 नंबर बोलता है कौन सा टेम्परेचर का यूनिट है, ये तो बच्चा टाइप क्वेश्चन है फारेनहाइट, कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर, 34 का भी आंसर होगा। 35 नंबर बोलता है कौन सा लेसन सही है, ये तो बच्चा टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो 1 kg में कितना, 1 ग्राम में कितना kg हो जाएगा,
0.001 kg, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मास कैन बी एक्सप्लेन एज अमाउंट ऑफ मैटर, 36 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। Which of the following system matches with SI system? SI के साथ कौन मैच करता है भाई? लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का आपका हो जाता है मीटर, मास का कौन होता है केजी, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो एमकेएस में भी तो वही होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, सेकेंड का। 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 37 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर है। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट मतलब सबसे कम जो काउंट कर सकते हैं। आप घड़ी में देखेंगे सबसे छोटा काउंट क्या होता है, इस घड़ी में छोटा काउंट क्या होता है, 1 सेकेंड। इसी तरह बोलता है कि लिस्ट काउंट होता है क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो लोवेस्ट वैल्यू होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा द लोवेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर एक्यूरेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं, हाफ ऑफ द लोवेस्ट वैल्यू नहीं, मीन अप नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए नंबर लोवेस्ट वैल्यू। कितना बेस क्वांटिटी होगा? 7 है तो 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सही बात है। इनवेरिएबल होना चाहिए, टाइम के अनुसार वैरी नहीं करना चाहिए, सही है। सुटेबल शायद, हाँ, सारा का सारा ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 41 नंबर देखिए बोलता है कि किसका डायमेंशन सेम होगा, तो इसे पहले निकाल चुके हैं कि इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशन चेक कर चुके हैं, दोनों का सेम होगा। यूनिट देखते हैं टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला फिलहाल अभी याद रखिए, डिटेल पढ़ना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा टॉर्क का, इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। लास्ट जो क्वेश्चन है बोलता है इसमें कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, एरर मतलब कि एब्सोल्यूट एरर यहां पर क्या है, तो एरर मतलब होता है गलती करना, एरर का मतलब होता है गलती करना। गलती कब होता है? जब कोई मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू रहता है और उतना नहीं ला पाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देना चाहेंगे, 6 + 5 कितना होगा, 6 + 5 ये 11 टू वैल्यू हो गया, लेकिन कोई बच्चा जो पहली बार ऐड सीख रहा है उसको ला के 10 दिखा दिया, तो गलती किया नहीं किया, तो गलती किया, तो ये हो गया मेजर वैल्यू। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वही एरर मेरा कहलाता है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल बहुत बच्चा टाइप एग्जाम्पल था, लेकिन कोई चीज आप मापते हैं मेजरमेंट में सब आता है कि आप बोर्ड डिजिटल बोर्ड का लंबाई आप माप रहे हो, एक मशीन कोई इसको एक्यूरेट बताता है उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसमें डिफरेंस करना होता है हमको। तो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू क्वांटिटी, क्यूब क्यूब नहीं स्क्वायर भी नहीं होगा इसमें, मीन से मतलब नहीं है, देयर मीन नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू क्वांटिटी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है डी नंबर सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद तो पेजेस खत्म हो गया, तो चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट हो गया। कल कोशिश करेंगे कि असाइनमेंट जो आपका 3 है मोशन द स्ट्रेट लाइन का, उसका सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जितना भी जैक बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन होगा सारा करवा दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर, हमको मिलता क्या है आप लोगों से, कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, और यदि कुछ डिमेरिट है थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते, ज़्यादा कमेंट ना करें तो चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।